जैसा कि जेडीसी वेलफेयर ने अंसार भंडी साहब, जुनैद जमशेद साहब, दीगर कौमी समाजी तंजीमों के साथ मिलकर शहर कराची के गंदगी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा था और उसमें भी काफी हद तक कामयाबी हुई कि आर एस एन स्क्वायर वाली सड़क भी शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त शहर की दीगर सड़कों की हालत को देखते हुए टूट फूट, गटर का पानी जो घरों में आ रहा है पीने के लिए और लोड शेडिंग और इंतहा तो ये हुई कल जब लियारी खड्डा मार्केट में एक कचरे में आग लगी तो उसके धुएं से 3 बच्चे मर गए। 4 साल का एक बच्चा था, एक बेटी थी 2 साल, 1 साल का उनका और बच्चा था, मां बाप झुलस कर जख्मी हो गए। चलिए आग लग गई कचरे की वजह से, बच्चे मर गए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे बाद पहुंची है, जुल्म की इंतहा देखिए, लाशों को और जख्मियों को रक्षों में लेकर गए। आज का एक्सप्रेस अखबार उठा के पढ़ ले, सारे अखबार पढ़ ले, जुल्म की इंतहा हुई है, पीने का पानी हमारे पास नहीं, लोड शेडिंग हमारे साथ मुसीबत, टूटी हुई सड़कें हमारे साथ, इन तमाम चीजों के इंशाल्लाह आज हमने फैसला किया है। जेडीसी वेलफेयर फाउंडेशन ने तमाम कौमी सियासी समाजी शख्सियात से रब्ता करेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से तो बहुत अलबात से रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सड़कों में दोबारा निकल रहे हैं। हमारा 2 घंटे का प्रोटेस्ट होगा, हर बड़े सरकारी दायरे में हम बैठेंगे पुरमन तरीके से, हाथ में हमारे झाड़ू और दीगर चीजें होंगी ताकि हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, वफाक मुतवज्जो हो कि कराची की क्या हालत हो गई है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं तैमूर जुनैद, शहीद जुनैद जमशेद का बेटा, आप सब शहरियों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने जेडीसी के साथ मिलकर इस गंदगी के खिलाफ, जो हमारे शहर कराची के अंदर इतना ज़्यादा है, इसके खिलाफ मिलकर उनने पुरअमन एहतजाज किए थे। बताओ, खुद सड़कों पे उतर कर उनने खुद झाड़ू पकड़ के सफाई की थी और मैंने देखा था कि उनके इन एफर्ट्स की वजह से रोड भी बनना शुरू हो गई थी। मैं चाहूँगा कि मैं, आप और ये सारा पूरा कराची मिलकर इस गंदगी के खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे वालिद साहब इस काम को करते करते दुनिया से चले गए, मेरी कोशिश ये है कि मैं इस काम को जारी रख सकूं और हम अपने ही शहर को, मतलब ये किसी और का नहीं है, हमारा ही शहर है। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि कोशिश करके इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं और हमें चाहिए कि हमें खुद भी इसको साफ रखना चाहिए। जज़ाकअल्लाह।